हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और जोन स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो इंसिडेंट और एक्सीडेंट, इस पे रिपोर्ट बनाना पड़ता है हम सब सिक्योरिटी गार्ड हो, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो या सिक्योरिटी ऑफिसर्स हो, तो उस पर बात करने वाले हैं। और ये ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम शॉर्ट कट में बना रहे हैं। दोस्तों ये इंसिडेंट और एक्सीडेंट को जो है सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है और क्या होता है इंसिडेंट और एक्सीडेंट, घटना और दुर्घटना। दोस्तों इंसिडेंट मतलब होता है घटना और एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना। तो दोस्तों हम बात करते हैं इंसिडेंट और एक्सीडेंट को किस तरह से रिपोर्ट तैयार किया जाता है हमारे बिल्डिंग, हमारे सोसाइटी, हमारे एरिया में जहाँ पे हमारे गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर ऐसे लगे रहते हैं वहाँ पे, इस तरह का जो अगर घटना होते हैं तो किस तरह से हम रिपोर्ट बनाएंगे ताकि आगे हमारे सीनियर को जो है फॉरवर्ड किया जाए। तो दोस्तों बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि हमारा जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज बात करेंगे जो इंसिडेंट और एक्सीडेंट पे। तो दोस्तों इंसिडेंट और एक्सीडेंट, इंसिडेंट मतलब होता है घटना और एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना। घटना जो होता है दोस्त जिसमें हमारे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, जान माल का नुकसान नहीं होता है, और हमारे जो है कंपनी में ऐसी कोई अगर घटना होता है जिसमें घटित तो होता है वहाँ पे हमारा कुछ, लेकिन कुछ नुकसान नहीं होता है हमारे, चाहे हमारे अंदर में हमारे वर्कर हो या चाहे हमारे एम्प्लॉय हो या चाहे हमारे सिक्योरिटी टीम हो, तो उसे नुकसान नहीं होता है, उसे हम घटना कहते हैं। और दुर्घटना जहाँ पे दुखद ही होता है, मतलब एक्सीडेंट जो होता है वहाँ पे नुकसान ही होता है, जान माल का नुकसान होना मतलब दुर्घटना होना। तो दोस्तों यही मीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अगर कोई अगर रिपोर्ट बनाते हैं, हमारे वीडियो अगर देखते हैं आप, तो आप पक्का रिपोर्ट बना लीजिएगा, सही सही गलत नहीं बनाइएगा। तो दुर्घटना मतलब होता है दुखद ही होगा, किसी का नुकसान ही होता है, जो दुर्घटना कहते हैं, जिसे एक्सीडेंट भी कहते हैं हम सब इंग्लिश में। और घटना मतलब होता है घटना, तो घटित तो हुआ, लेकिन हमारा किसी एम्प्लॉय का या वर्कर का या हमारे सिक्योरिटी टीम में किसी का नुकसान नहीं हुआ, उसे हम घटना कहते हैं। क्योंकि हमारे सिक्योरिटी टीम सोसाइटी से लेकर के बिल्डिंग, कॉल सेंटर, बहुत सारे एरिया में लगे रहते हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया में लगे रहते हैं, सोसाइटी एरिया में लगे रहते हैं, तो ये घटना घटित होते रहते हैं। इंसिडेंट एक्सीडेंट पे रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है और ऐसे इंसिडेंट एक्सीडेंट होते भी रहते हैं। दोस्तों हम सब भी कई सारे इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाए हैं, तो सबसे पहले समझना, हम एक वीडियो भी सर्च किए थे जो किस तरह से इंसिडेंट और एक्सीडेंट पे रिपोर्ट बनाते हैं। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो अगर देखिएगा तो आप पक्का बना लीजिएगा, जो नहीं पहले कभी बनाए हो तो वो आराम से बना सकते हो। दोस्तों इंसिडेंट मतलब घटना जो घटित हुआ और किसी को नुकसान नहीं हुआ, और एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, दुर्घटना हुआ जिसमें किसी भी एम्प्लॉय या किसी का जो है दुर्घटना मतलब दुखद होता ही है, तो नुकसान होगा, जान माल का नुकसान यानी दुर्घटना, एक्सीडेंट हम कहते हैं दोस्तों। तो उसमें देखा जाए रिपोर्ट बनाने में जो है सबसे पहले जो दिया जाता है वो विवरण तो देना ही पड़ेगा किस तरह से कैसे हुआ। तो सबसे पहले टाइम देना होता है, टाइम और जगह, जिसे हम कहाँ पे घटना हुआ, दुर्घटना हुआ, कहाँ पे हुआ, किस टाइम हुआ और कैसे हुआ, और उसमें कौन इन्वॉल्व है जो सामने में देखे हैं, और जो है कैसे हुआ, चाहे वो वाहन से हुआ, चाहे व्हीकल से, गाड़ी से हुआ है, या चाहे हमारे कंपनी का फैक्ट्री का रहते हैं तो उसमें कोई दीवार गिर जाते हैं, तो छत टूट के गिर जाते हैं, तो इन सब एक्सीडेंट में अगर देखा जाए तो रिपोर्ट किस तरह से बनाते हैं उसका जो है उसमें चर्चा किया जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़े इम्पोर्टेंट बात यह है, जो टाइम टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है, आप तो लिख लिए जो कब कहाँ कैसे हुआ है, और उसका विवरण आप दे दीजिए, आपका जो है रिपोर्ट तैयार होकर के वो क्या है, और जो वहाँ इन्वॉल्व है उसका नाम आप प्रॉपर लिख दीजिए, इस टाइम में ये यहाँ पे प्रेजेंट था और इसके सामने में ये घटना घटित हुआ है। तो घटना दुर्घटना आप सबसे इम्पोर्टेंट सबक समझ लिए, और उसके बाद बात करते हैं हम, इतना समझ लिए तो भाई आप रिपोर्ट आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो जैसे कि आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं ओरिजिनल कंटेंट रहते हैं, ओरिजिनल हम सब जो रूल रेगुलेशन करते हैं सिक्योरिटी में उस तरह से हम वीडियो आपको बताते हैं, किस तरह से ज्वाइन होना है वो भी बताते हैं। दोस्तों हमारे बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर मेरा आप नंबर दे दीजिए, नंबर सर नहीं दे सकता हूँ भाई लोग, क्योंकि हमारा मैं भी ड्यूटी करता हूँ, जॉब करता हूँ, मैं भाई आपका बात करूँगा या फिर मैं अपना जो है आपसे बात करूँगा या ड्यूटी करूँगा, तो हर तरह का हर जगह बॉस होता है, तो भाई यही प्रॉब्लम होता है।
जो मैं नंबर नहीं दे रहा, आप मुझे मेल कीजिए या आप अपना कमेंट में आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं अगर ज़्यादा रहा इम्पोर्टेंट तो मैं आपसे बात कर लूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।